अस्सलाम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। आज मैं आपको आई लैशेज़ लगाना बताऊंगी। बहुत ही आसान है आई लैशेज़ लगाना। लोग अक्सर मेरे पास क्लाइंट आते हैं कि आई लैशेज़ लगवानी है, उनको आई लैशेज़ नहीं लगानी आती, तो वो फिर मुझसे पूछते हैं कैसे लगानी है। तो मैंने कहा चले मैं आपको इस तरह बता देती हूँ कि कैसे लगाते हैं आई लैशेज़। इस तरह कोई भी आप 3D लैशेज़ ले लें या ये वाली लैशेज़ ले लें, ये 5 नंबर की लैशेज़ है जो आप पार्टी में यूज़ कर सकते हैं। इसमें 4 नंबर भी होता है, इसमें 7 नंबर भी थोड़ा ठीक है इससे ज़्यादा, और जो 1 नंबर इसमें होता है वो हम ब्राइडल के लगाते हैं। ठीक है। अच्छा जी, ये लैशेस की गम है जिससे मैं लैशेस लगाती हूँ। ये स्वीट टच की है, ये देखें ये स्वीट टच की है, और ये 5 नंबर की लैशेस हैं। मैं आपको बताऊँगी कि कैसे लगाते हैं आई लैशेस। जो गम है ये सबसे बेस्ट यही लैशेस गम है। इसके अलावा मैंने यूज़ की हुई है काशीज़ की, भी बहुत अच्छी है। वो जैसे लाइनर ब्रश होता है उस तरह उनकी पैकिंग है, और वो भी बहुत इजी है लगानी, तो वो भी बहुत अच्छी है, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा अच्छी है। ये देखिए, इस तरह आप खोलें, आप इसको एक टाइम से टू टाइम भी लगा सकते हैं। अगर आप सही तरीके से रखते हैं तो 3 टाइम भी ये लग जाती हैं। देखें, अब आपने ये देखें, ये इसके कॉर्नर होंगे बाहर, ये देखें, ये देखें, मैं ये कॉर्नर ऐसे इसको थोड़ा, और ये इस साइड को भी नीट कर लें, इधर से भी हमने नीट कर ली। उसके अलावा आप ये चीज़ देखेंगे आइज़ के ऊपर रख के, अगर ये लेंथ आपको पूरी है तो ठीक है, जिनकी आईज़ लंबी हैं, जिनकी आईज़ थोड़ी छोटी होती हैं उनके लिए आप जो आउटर वाली साइड होती है ना, वहाँ से आपने उसको कट कर लेना, इनर कॉर्नर से नहीं काटना। इसके बाद आपने ये दोनों पीस पहले आपने इसी तरह सेट कर लेने, अगर उनकी बाहर को लाइंस निकली हुई है ना, ये देखें इनका, अगर ये हम नीट कर लेंगे तो इससे अक्सर ये होता है, ये जो कॉर्नर होते हैं यहाँ से उठ जाते हैं, फिर ये प्रॉब्लम करते हैं। अगर हम ये पहले काट लेंगे, चलें ये भी हमने नीट कर ली इस तरह। अब हमने ये दोनों लैशेस पे गम लगा देनी है, रख देनी है। ये देखिए, आप ऐसे लें, पहले आप ऐसे गम यहाँ पे ले, लैशेस पकड़ ली है, सीधी नहीं उल्टी पकड़ी है मैंने। उसके बाद आपने पिन ले लेनी है, ये ब्लैक पिन है जो सर पे लगाते हैं वो वाली, किसी भी चीज़ से आप लगा सकते हैं। ये देखिए जो उसकी लाइन है ना, उस पर आपने अच्छी तरह लगा के इसको, चलिए ये देखिए। अब आपने इसके ऊपर आपने 30 सेकेंड अपने मुंह में पढ़ने, 30 सेकेंड ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। इतने सेकंड पढ़ने में आपकी जो गम है ना वो थोड़ी सी ड्राई हो जाएगी। अगर आप उठा के ऐसे ही लगा लेते हैं तो वो आपसे टिकेगी नहीं, वो कभी हिल जाएगी या लगेगी नहीं, लेकिन अगर आप उसको थोड़ा वेट ऐसे ही लगा के करें, 30 सेकंड जब आप ऐसे पढ़ेंगे उतनी देर में ये ड्राई हो जाएगी। अगर आप ऐसे ही लगा लेंगे तो वो, ये नीचे रखें पिन को, अब आपने उठानी है, अब हम लगाने लगे हैं ये। ये देखिए, अब मैं सीधी कर लेती हूँ, अब ये खोल के लगाएंगे, खुली आँख रखो हल्की सी। हाँ, अब आपने इसके ऊपर रखनी है ऐसे आराम से, ये देखिए ऐसे रख देनी, आराम से ठहरो। ये देखो, इस तरह से आपने आउटर कॉर्नर से लगाई, फिर इनर कॉर्नर को ऐसे रखा, ये देखें, ये देखें, यहाँ से भी सेट कर लें इतनी देर में, ये देखें, बस बंद रखो ऐसे। चलो मैं छोड़ दूँ, हम दूसरी लैश के ऊपर भी इसी तरह ही, ये देखिए हम लगाएंगे।
चलें, अब उसी तरह हम 1 2 3 30 सेकंड तक गिनेंगे और फिर उसके बाद हम आई स्पेस को लगाएंगे। चलो बना रहे हो। ये हम सबसे पहले ऐसे रखेंगे, ये देखिए इस तरह रख दे, हल्की सी आँख खोलो। उसके बाद हम इधर अटैच करेंगे ऐसे, इधर से पकड़ के हम हल्का सा, ये देखिए इधर रखेंगे अंदर करके, और ये देखिए जी ऐसी ला के बांधी रखो भी, बस बंद करोगी। ये भी हमने मस्कारा नहीं लगाया, मैं मस्कारा भी लगा के दिखा रही हूँ। जी अब मैं मस्कारा लगाने लगी हूँ, ये बी क्यूट का मस्कारा है। एक दो दफ़ा आप लगाएंगे तो आपको इंशाल्लाह लगानी आ जाएंगी। तो मैंने काफ़ी आसान तरीका बताया आपको लगाने का। आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें।